अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान चौधरी और आप देख रहे हैं आपका टीवी। नाज़रीन, आपको फ्रांस से एक अहम खबर से आगाह करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल आपका टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। फ्रांस के हवाले से तोहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पाकिस्तान भर में होने वाले एहतजाज के माहौल में त्यूनस के एक मुसलमान ने पेरिस के नवाही इलाके रेम्बोलेट में पुलिस स्टेशन पर हमला करके एक खातून पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला करके उसे हलाक कर दिया। मकतूला पुलिस ऑफिसर के साथी पुलिस अफसरों ने मौके पर ही हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म जेन कास्टेक्स और वज़ीर-ए-दाखला जेराल्ड डार्मेमन मौके वारदात पर पहुंच गए। पेरिस से हमारे नुमाइंदा के मुताबिक पुलिस अफसर के इस कत्ल को इस्लाम और मुस्लिम इंतहा पसंदी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ऑफिसर के कत्ल से इलाके में खौफो हिरास फैल गया है। फ्रांस की नेशनल फ्रंट पार्टी के लीडर ने अपने ट्वीट में कत्ल की इस वारदात को इस्लामी बर्बरियत करार दिया है। खदशा है कि पुलिस ऑफिसर के इस कत्ल से फ्रांस के गैर मुस्लिमों की जानिब से मुसलमानों और एशियाई बशिंदों के खिलाफ शदीद रद्देअमल सामने आएगा। पुलिस ने तफ्तीश के गर्ज से हमलावर की तफसीलात पोशीदा रखी हुई हैं।